वेल गाइस, जब बात स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो लोग अपने लगाए हुए पैसों से मिलने वाली रिटर्न्स के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर एक्साइटेड होने से ज्यादा वो डर जाते हैं ये बातें सोचकर कि कहीं अगर मार्केट क्रैश हो गई और मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा, कहीं मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसों की वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। जिस कंपनी में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा कहीं वो कंपनी ही बैंकक्रप्ट हो गई तो मेरे पैसे का क्या होगा। इस तरह की नेगेटिव बातों को सोचने की वजह से हम एक्साइटेड होने के बावजूद भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इवन कुछ जीनियस लोगों को तो ये भी लगता है कि स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और जो लोग इस फील्ड में माहिर होते हैं सिर्फ वही स्टॉक मार्केट के इस गेम को समझकर सही से एक्शन ले सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस लोगों में फैलाया गया एक मिथ है। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसकी पूरी ए टू जेड पता होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना गलत होगा कि आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं, ऐसा करके तो आप और बड़ा रिस्क ले लेंगे। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। इसीलिए गाइज, आप सबके इतने सारे कमेंट्स करने के बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको हर वो बेसिक चीज बताऊंगा जो आपको एज ए बिगनर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए, जिसे फॉलो करके एक बेसिक लेवल का पर्सन भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकता है। इसीलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको यहां से कुछ नया सीखने को मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर एक, डिसाइड वेदर टू ट्रेड और इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम जो पहली मिस्टेक लोग करते हैं वो है पहले ये डिसाइड नहीं करना कि उनको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी स्टॉक को सेल करने की इंटेंशन से उसको खरीदते हैं और स्टॉक का प्राइस बढ़ने पर आप उसको सेल कर देते हैं तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और एक या दो दिन में ग्राफ थोड़ा ऊपर जाते ही सेल कर देते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे भी होते हैं जो मिनटों में ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग स्टॉक्स को बाय करके उसको काफी लंबे टाइम तक अपने पास होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि लॉन्ग टर्म में उनके स्टॉक्स की वैल्यू डेफिनेटली बढ़नी ही है। और इसमें लोग छोटे मोटे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करते बल्कि काफी हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, और उनको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते भी हैं क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड काफी ज्यादा होता है, जैसे 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल तक भी। चलिए इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेम्स और विलियम नाम के दो दोस्तों ने एक साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर जेम्स ने अपने लिए ट्रेडिंग को चुना और विलियम ने इन्वेस्टमेंट को। फिर दोनों ने ही अपने पैसे को स्टॉक्स में लगा दिया। जेम्स हर वक्त अपने स्टॉक्स पर नजर गड़ाए रहता था कि कब कौन से स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है और कौन से की घट रही है, बट विलियम ने इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ एक बार ही रिसर्च की और उसके बाद उसने अपने स्टॉक्स पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। यहाँ जैसे ही स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती जेम्स अपने स्टॉक्स को फौरन बेच देता था, और जब किसी दूसरे स्टॉक की प्राइस कम होती तो वो उसको खरीद लेता था। ऐसा करने से शॉर्ट टर्म में उसको प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उसको अपनी रिटर्न्स का कुछ परसेंट प्रॉफिट ब्रोकरेज फीस और कुछ परसेंट प्रॉफिट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को देना पड़ता था, जिससे घूम फिर के जेम्स को उसका बढ़ा हुआ प्रॉफिट भी बहुत कम बच रहा था। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत गया, जेम्स वही छोटी मोटी ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना लेता था, पर स्टिल प्रॉफिट के नाम पर उसके पास कोई खास रकम नहीं थी। वहीं विलियम कुछ सालों बाद जब अपने स्टॉक्स पर नजर डालता है तो जेम्स के कंपैरिजन में उसको काफी अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं, क्योंकि विलियम ने अपना प्रॉफिट निकाला नहीं बल्कि उसको और ग्रो होने दिया, जिससे उसके प्रॉफिट से भी और प्रॉफिट बनता चला गया, जबकि जेम्स ने अपने पैसे को सिर्फ स्पेकुलेट किया। तो कंक्लूजन के लिए अगर बोलूं तो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग दोनों में कोई भी बुराई नहीं है, आप जो मर्जी चुन सकते हैं, पर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी प्रॉफिट पाने के लिए आप ये पहले मेक श्योर कर लें कि अमाउंट भी आपके पास ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कम अमाउंट लेकर ट्रेडिंग करने से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रोकरेज फीस और टैक्स में ही कट जाएगा, जिससे आपके प्रॉफिट होने के बाद भी आपको ये फील भी नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है। वहीं इन्वेस्टमेंट तो जैसा मैंने बताया एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने के बाद काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ से रिटर्न्स भी ज्यादा ही मिलेंगे। नंबर टू, फोकस ऑन बिजनेस फंडामेंटल्स। ये डिसाइड कर लेने के बाद आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त जरूर करनी है वो है किसी बिजनेस के फंडामेंटल्स को चेक करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, जिसमें ऑब्वियसली आपका पैसा भी डूब सकता है। फंडामेंटल वर्ड सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है, पर इसे चेक करना बहुत ही सिंपल है।
इसमें आपको उस बिजनेस के मैनेजमेंट रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करना होता है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि आपको ये देखना होगा कि जिस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी किसी झमेले में तो नहीं फंसी हुई, उस पर किसी भी तरह के कोई चार्जेस तो नहीं है, या किसी तरह का उस कंपनी पर मुकदमा तो नहीं चल रहा। और ये सब कुछ आप गूगल से आराम से चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ चेक कर लेना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटी मोटी कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जो आए दिन ऐसे फ्रॉड्स में पड़ती रहती हैं। पर जो बड़ी बड़ी और रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं जैसे कि टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनका नाम इस तरह के झमेले में कभी सुनने को नहीं मिलता क्योंकि वो इन चक्करों में कभी पड़ते ही नहीं। इसीलिए बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड जान लेना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो अगली चीज जिस पर फोकस करना होता है वो है बिजनेस के मैनेजमेंट का रिकॉर्ड चेक करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये देखना कि बिजनेस को चला कौन रहा है, क्योंकि कई बार लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आता है कि जिस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहीं वो कंपनी उनका पैसा लेकर भाग ना जाए। और ये सवाल आना इत्तेफाक से लाजमी भी है क्योंकि शायद आपको पता हो आशापुरा इंटीमेट्स कंपनी के मालिक ने कंपनी के डूब जाने के बाद अपने इन्वेस्टर्स के पैसे हड़प लिए थे, इसीलिए ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है। जब आप बिजनेस ओनर के बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी कंपनीज के मालिक जैसे उदय कोटक, सीरस पुनावाला, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ऐसे लोगों को सभी लोग जानते हैं और उनके कंपनीज के बारे में भी कोई गलत न्यूज कभी सुनने को नहीं मिलती। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में अपने पैसे लगाने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी का पिछले कुछ सालों से कैसा रिकॉर्ड रहा है और इसका जो ऑनर है वो भरोसा करने लायक है भी या नहीं। नंबर 3, चूज लॉर्ड एट कंपनी। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ये मतलब होता है कि आप उस कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करते टाइम एक सही कंपनी चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न्स पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज में से आपको किसी एक के शेयर्स बाय करने हैं, तो अब आप बताइए इन दोनों कंपनीज में से आप कौन सी चुनेंगे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज काफी अच्छी और गुड परफॉर्म करती हैं। तो कोई कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट दे सकती है ये प्रेडिक्ट करने के लिए आपको उस कंपनी को चूज करना होगा जिस पर डेट कम हो, मतलब कि वो कोई ऐसी कंपनी हो जिस पर ज्यादा कर्ज ना हो। टाटा और रिलायंस के केस में देखें तो टाटा के पास अभी के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 41,494 करोड़ का डेट है और रिलायंस के पास 69,061 करोड़ का। तो कंपैरिजन में रिलायंस कंपनी का डेट ज्यादा है और टाटा कंपनी का कम, तो टाटा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना हमारे लिए समझदारी होगी। अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बस आप इस लो डेट फॉर्मूले को ध्यान में रखकर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। लो डेट कंपनी को इसलिए भी चूज करने को कहा जाता है क्योंकि जिस कंपनी का डेट कम होता है उसके बैंकक्रप्ट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज कम करने के लिए उस कंपनी को एसेट्स नहीं बेचने पड़ते। बट सवाल अब यहाँ पर यही आता है कि किसी भी कंपनी के डेट को चेक कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज का पता भी आप गूगल से कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी कंपनीज की बैलेंस शीट मिल जाएंगी जिन्हें कंपेयर करके आप कम डेट वाली कंपनी को चुनकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद ओनली वन कंपनी। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इस कहावत को लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि इन सारी कंपनीज में मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद एक न एक कंपनी से तो पक्का अमीर बन जाऊंगा। बट वो लोग ये चीज नहीं समझ पाते कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं। उनके पास काफी सालों की लर्निंग और एक्सपीरियंस होता है और किसी भी बिजनेस की ग्रोथ को कैसे प्रिडिक्ट करना है वो ये स्किल भी जानते हैं और इन्हीं सब चीजों को यूज करके वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इवन उनकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। अब उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करके अगर हम ज्यादा रिटर्न्स पाने की उम्मीद रखेंगे तो ऐसा हो पाना मुश्किल है। इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हैं और बेसिक लेवल से इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो जल्दी रिटर्न्स पाने का लालच अपने माइंड से निकालकर अपने पैसे को एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और शेयर को कुछ टाइम तक ग्रो होने दीजिए। जब आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो जाए कि ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी को भी चूज कर सकते हैं। नंबर 5, पिक द सिंपल इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री यू नो। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो आज भी कोका कोला के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? पर आखिर क्यों? क्या वो हाईटेक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है,
वॉरेन बफेट चाहें तो वो आराम से दुनिया की किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लोगों को हमेशा ऐसी ही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में उनको थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो। मतलब कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर तरह की कंपनीज होती हैं। कुछ कंपनीज फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, कुछ टैक्स से और कुछ किसी और इंडस्ट्री से। हमको इसमें बस ये एनालाइज करने की जरूरत है कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है। एग्जाम्पल, सिम कंपनीज में अगर देखा जाए तो रिलायंस जियो इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर और बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों ही कंपनीज को लोग काफी बेहतर तरीके से जानते हैं और इतना फेमस होने की वजह से इनका फ्यूचर भी काफी हद तक सिक्योर ही है। तो इस तरह की कंपनीज में अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना आपके लिए समझदारी होगी। अगेन, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आपको अपने अकॉर्डिंग जो कंपनी ज्यादा फेमस और रिलायबल लगे आप उस पर ही इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने से एज ए बिगनिंग आपका पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा जो ट्रस्टेबल होगी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दिला पाने के लिए। तो ये थी गाइस कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जिनकी हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके पहला शेयर खरीद सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजीज आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। पर अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।